नमस्कार, मैं नवीन कुमार मनीष आपके सामने बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा के माध्यम से। पहली क्लास में हमने आपके साथ बहुपद पर चर्चा किया था। बहुपद में हमने पहले क्लास में बहुपद के मान और उसकी पहचान पर हमने चर्चा किया था। आज हम लोग बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पर चर्चा करें। रैखिक बहुपद के लिए ए एक्स प्लस बी ए नॉट इक्वल टू जीरो का ग्राफ जो होगा एक सरल रेखा होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वाई इजकल टू पी एक्स इजकल टू टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे और वाई की वैल्यू हमें मिलेगा। देखिए यहाँ पर रख रहे हैं वैल्यूज को एक्स और वाई। अगर एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो लेते हैं तो वाई की वैल्यू हमारी वन हो जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू हम वन लेते हैं तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब इस ये जो वैल्यू हमें x और y का जो मान मिला है, इस मान को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल में देखेंगे और वहाँ से ये हमें मिलेगा कि इसमें कितने शून्यांक हैं। x y, अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें रखेंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फिर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव। यहां निगेटिव में होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। इसके लेफ्ट में भी यहां निगेटिव में होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। आइए अब एक्स और वाई के मानों को यहाँ पर हम लोग रखते हैं। जैसे एक्स का वैल्यू जीरो है, वाई का वन जीरो और वाई का वन यहाँ होगा। फिर देखिए एक्स का वैल्यू वन है और वाई का थ्री, तो ठीक इसके सामने ले जाएंगे और थ्री पे इस वैल्यू को यहाँ लोकेट कर देंगे, ठीक है। फिर एक्स का वैल्यू टू, वाई ठीक टू के ऊपर यहाँ वाई के ठीक सामने इसको हम लोग क्या करेंगे, लोकेट कर देंगे। और फिर जब इसको यहाँ से तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये देखिए जीरो और वन के बीच से होकर ये सरलरेखा लाइन निकलती है, अर्थात यह एक्स को जीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव पर काटते हैं, अर्थात माइनस वन बाई टू पर इसको काटती है। अर्थात इसका जो एक्स पर जो पॉइंट काट रहा है यह इस समीकरण का टू एक्स प्लस वन का शून्य है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए व्यंजक 2x प्लस 1 का केवल एक शून्यक होगा, एक शून्यक माइनस वन बाई टू होगा। आइए अब हम लोग द्विघात बहुपदों के लिए देखते हैं क्या स्थितियां बनती हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू जीरो के लिए संगत समीकरण जो होगा वो वाई इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और दूसरा जो कंडीशन बनेगा y इजकल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस दोनों समीकरण से हमें दो स्थितियां हमें प्राप्त होती है। अगर a अगर जीरो से ग्रेटर हो, यहाँ देखिए ये जो है यहाँ क्या है जीरो से ग्रेटर है और यहाँ देखिए a जो है यहाँ जीरो से स्मॉलर है क्योंकि माइनस है, तो a यहाँ जो वैल्यू होगा वो जीरो से ग्रेटर हो तो ग्राफ का आकार प्रबलय देखिए ऊपर की तरफ खुला हुआ होता है। और दूसरा अगर ए
अगर जीरो से स्मॉलर है, अगर ये स्मॉलर देन जीरो हो तो ग्राफ का आकार प्रबलय यानी कि नीचे की ओर खुला हुआ होता है। इस आधार पर हम लोग दो एग्जाम्पल लेके इसके ग्राफ को हम लोग देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे y इजकल टू पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर को, जो देखिए यहाँ पर इसका जो a है वह ग्रेटर देन जीरो है। और यहाँ देखिए दूसरा समीकरण हम लेंगे y इजकल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, तो यहाँ देखिए a के वैल्यू जो है नकारात्मक है, नेगेटिव में है, जो जीरो से छोटा होगा। इस दोनों का आइए हम लोग ग्राफिकल विधि देखते हैं। आइए y इजकल टू पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर फोड़ लेते हैं। आइए यहाँ पहले हम लोग x और y की के मान को निकालते हैं। अगर x की जगह पर अगर हम जीरो लेते हैं तो y का वैल्यू ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये माइनस फोर, वाई का वैल्यू माइनस फोर होगा। अगर x का वैल्यू अगर हम वन लेते हैं तो y का वैल्यू वन का स्क्वायर थ्री इंटू वन माइनस फोर इजकल टू वन माइनस थ्री और माइनस फोर, यानी कि देखिए वन माइनस सेवन इजकल टू माइनस सिक्स, यानी अगर वन लेते हैं तो इसका वैल्यू माइनस सिक्स होगा। अगर y अगर x की वैल्यू अगर हम टू लेते हैं तो y इजकल टू टू का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू माइनस फोर, फोर माइनस सिक्स माइनस फोर, फोर फोर को कैंसिल कर दीजिए, इसका भी माइनस सिक्स ही आएगा। उसके वाई एक्स स्क्वायर टू थ्री लेंगे तो वाई स्क्वायर टू एक्स पर यहाँ पर देखिए थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस फोर, नाइन माइनस नाइन माइनस फोर, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा माइनस फोर, यानी अगर थ्री लेते हैं तो इसका वैल्यू माइनस फोर, अगर फोर लेते हैं इसका वैल्यू, अगर एक्स का वैल्यू फोर लेते हैं तो फिर देखिए वाई का वैल्यू क्या होता है, फोर का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू फोर माइनस फोर, यानि सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व माइनस फोर, यानि सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन इजकल टू ज़ीरो, यानी अगर ये फोर लेते हैं इसका वैल्यू जीरो होगा, फिर अगर माइनस वन लेते हैं तो फिर क्या इसका वैल्यू होगा, तो एक्स इजकल टू माइनस वन, इस वैल्यू को रखिए माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस फोर, वन माइनस प्लस हो जाएगा थ्री माइनस फोर, यानी कि फोर माइनस फोर इजकल टू ज़ीरो, यानी इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। फिर अगर x का वैल्यू हम माइनस टू लेते हैं तो y कितना होगा, माइनस टू का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस टू माइनस फोर, फोर प्लस सिक्स माइनस फोर, एट प्लस सॉरी फोर फोर कैंसिल हो जाएगा सिक्स, यानी कि अगर माइनस टू लेते हैं तो इसका वैल्यू प्लस सिक्स होगा। फिर अगर x का वैल्यू चढ़ाने दीजिए, इतना ही वैल्यू को हम लोग इसको निकालते हैं। अब आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। यह वैल्यू इसलिए मैंने इतना लंबा लिया है क्योंकि हमें आपको प्रबलय दिखाना है अपवर्ड में और डाउनवर्ड में। यहां देखिए ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इधर लेंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन, यहाँ पॉजिटिव में वैल्यू होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इधर नेगेटिव में वैल्यू होता है वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स। अब इस वैल्यूज़ को इसमें हम लोग रखेंगे, जैसे जीरो का देखिए माइनस फोर है तो ये वैल्यू कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ एक्स का वैल्यू वन है और ये माइनस सिक्स में है तो ये वैल्यू कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ एक ठीक सामने यहाँ आएगा, ठीक है। फिर टू का वैल्यू माइनस सिक्स ही है तो ये वैल्यू आपका यहाँ ठीक इसके सामने ही आएगा।
फिर 3 का वैल्यू माइनस 4 है, 3 यहाँ है, इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे, यहाँ माइनस 4 पे आएगा, 4 है यहाँ पे, उसके वैल्यू देखिए 0 है, 4 इसका वैल्यू 0 है तो यहाँ रहेगा, ठीक है। फिर माइनस 1 का 0 है, माइनस वन का यहाँ सॉरी माइनस वन का 0 है, यहाँ आएगा, ठीक है। और माइनस टू का सिक्स है यहाँ आएगा। अब क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे, तो देखिए इसी को यहीं से मिला देते हैं लास्ट पॉइंट से, ये देखिए आप देख सकते हैं ये क्या है, आपको अपवार्ड में खुला हुआ है। आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर ये ए जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो प्रवलय का जो होगा वो ऊपर की ओर खुला हुआ होगा। और यहाँ देखेंगे कि इसमें कितने शून्य मिल रहे हैं हमको, 2 शून्य मिल रहे हैं। एक कहाँ मिल रहा है हमको, माइनस 1 पर मिल रहा है, और दूसरा हमको 4 पर मिल रहा है, अर्थात इसका जो शून्यक होगा माइनस 1 और 4। इस आधार पर हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि दिए गए व्यंजक में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस फोर का दो शून्यक माइनस 1 और 4 होगा। इसी प्रकार y = px = माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9, यानी कि a smaller than 0 के लिए भी 2 ही शून्यक प्राप्त होगा, लेकिन उसका जो प्रबलय होगा वह नीचे की ओर खुला हुआ होगा। आइए से ग्राफिकल हम देखते हैं, इस प्रकार फिगर होगा इसका, ठीक है। यहाँ भी हमें 2 ही शून्यक प्राप्त होंगे, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी दिए गए द्विघात बहुपदों का अधिकतम शून्यक जो होगा वह 2 ही होगा, 2 ही होगा, है ना। तो जब हम सभी समीकरणों को देखते हैं, सभी व्यंजकों को देखते हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी दिए गए व्यंजक के चर के घात के अधिकतम मान के आधार पर हम शून्यक का निर्धारण करते हैं। जैसे अगर रैखिक समीकरण के चर के घात 1 होता है तो उसका शून्यक 1 होगा, द्विघात समीकरण के चर के अधिकतम मान जो होता है घात 2 होता है तो उसका भी शून्यक 2 होगा। इसी आधार पर जो है बाकी हम शून्यक का भी निर्धारण करते हैं चर के घात के आधार पर। क्लास के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि आप बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर किसी तरह कोई समस्या अभी भी आपके पास बचा हुआ है तो आप इसको कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब अगले क्लास में मैं आपसे पुनः मिलूंगा बहुपद का, तो उसमें आपसे इसके बारे में हम जरूर डिस्कशन करेंगे। उसके लिए धन्यवाद।